गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू का क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एक्सक्यूज डिड टीना गिव हर टीचर फॉर कमिंग लेट। टीना जो है वो क्या बहाना दे रही है अपने टीचर को लेट आने का, क्या बहाना देती है देखते हैं। द एक्सक्यूज डिड द टीना गिव टू हर टीचर वॉज सी हैड मिस्ड द स्कूल बस। ठीक है, वो ये बहाना देती है कि वो स्कूल बस जो है मिस कर गई थी, उसका जो स्कूल बस है वो छूट गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज टीनास फ्रेंड दीपा एनॉयड विथ हर। जो टीना की फ्रेंड थी दीपा, वो उससे चिढ़ी हुई क्यों रहती थी। टीनास फ्रेंड दीपा एनॉयड विथ हर बिकॉज सी ऑलवेज लेट फॉर द स्कूल, क्योंकि वो हमेशा स्कूल के लिए लेट करती थी। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज टीना डूइंग इंस्टीड ऑफ हर ग्रामर वर्क। ग्रामर वर्क करने की जगह पर टीना क्या कर रही थी, तो सी वॉज ट्राइंग टू सॉल्व अ सुडोको पजल, तो वो सुडोको पजल सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी। उसके बाद है, व्हाट डिड दीपा सजेस्ट एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर टीना, व्हाट वॉज स्पेशल अबाउट दिस अलार्म क्लॉक। ठीक है, तो बोला दीपा सजेस्ट अलार्म क्लॉक एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर टीना एंड द अलार्म क्लॉक स्टॉप्स रिंगिंग व्हेन द पजल सॉल्व। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसको जो सजेस्ट की थी, मतलब एक बर्थडे गिफ्ट के तौर पे अलार्म घड़ी, ठीक है, और उसका खासियत क्या था कि जब तक उस पर पजल सॉल्व नहीं किया जाता तब तक वो बंद नहीं होता था। ठीक है, उस पर पजल सॉल्व करते थे तभी वो बंद होता था। तो यही क्वेश्चन आंसर था, आपको इसको रिवाइज करना है, अच्छे से रिवीजन वर्क में कॉपी में लिखना है।